हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं सभी। आज हम आपके लिए लेके आए हैं क्लास सिक्स साइंस का चैप्टर गेटिंग टू नो अबाउट प्लांट्स। दिस इज़ द फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर। इन दिस पार्ट वी आर नोइंग अबाउट द प्लांट्स एंड टाइप्स ऑफ प्लांट्स। सो फर्स्ट ऑफ ऑल इंट्रोडक्शन, वी गो आउटसाइड इन पार्क एंड गार्डन एंड लुक अराउंड अस। जब हम कहीं भी बाहर जाते हैं पार्क्स में, गार्डन्स में, देन वी लुक अराउंड अस, वी फाइंड डिफरेंट काइंड ऑफ द प्लांट्स, लीफ ऑफ प्लांट्स, शेप ऑफ फ्लावर्स, कलर ऑफ फ्लावर्स, साइज ऑफ स्टेम। हम देखते हैं कि किस किस कैटेगरी के बेसिस पे प्लांट्स का सेपरेशन होता है। कई तरह के पौधे देखते हैं, लीफ ऑफ प्लांट्स की डिफरेंट डिफरेंट लीव्स होती हैं, शेप ऑफ फ्लावर्स डिफरेंट डिफरेंट होती है, कलर ऑफ फ्लावर्स डिफरेंट डिफरेंट होते हैं, साइज ऑफ स्टेम भी डिफरेंट डिफरेंट होता है। कुछ का वीक स्टेम होता है, कुछ का स्ट्रॉन्ग और वुडी स्टेम होता है जो ट्रीज होते हैं। सम प्लांट्स आर टॉल व्हाइल सम आर शॉर्ट व्हाइल हैव द डिफरेंट लीव्स। ये सारे कुछ क्राइटेरियाज है जो प्लांट को सेपरेट करते हैं। द पिक्चर इज शोइंग द डिफरेंट काइंड ऑफ फ्लावर्स शोइंग द डिफरेंट शेप साइज एंड कलर। टाइप्स ऑफ प्लांट्स, फर्स्ट इज हर्ब्स। द प्लांट्स विद द ग्रीन एंड टेंडर स्टेम आर कॉल्ड हर्ब्स। वो प्लांट्स जिनके स्टेम बहुत ज़्यादा टेंडर यानी वीक है और हरे होते हैं, वुडी स्टेम नहीं होते, दे आर कॉल्ड एज हर्ब्स। हर्ब्स आर प्लांट्स यूज इन फूड फ्लेवरिंग फॉर अरोमा, दैट मीन्स प्लेजेंट स्मेल। अरोमा मीन्स अ गुड और प्लेजेंट स्मेल एंड मेडिसिनल पर्पज, दे आर नोन एज हर्ब्स। बेटा वो पौधे जो हमारे खाने में भी यूज़ होते हैं, खाने के फ्लेवर को इन्हांस करने के लिए यूज़ होते हैं और एक गुड अरोमा देते हैं, जिससे मसाले हैं, मसालों के जो पौधे होंगे वो हमारे हर्ब्स में आएंगे और कुछ मेडिसिनल पर्पज़ के लिए यूज़ होते हैं। फॉर एग्जाम्पल मिंट यानी पुदीना, रोजमेरी, कोरिएंडर यानी धनिया, बेलीफ तेजपत्ता, बेसिल, तुलसी, करी पत्ता, ऑल अदर आर द एग्जाम्पल ऑफ द सम हर्ब्स। सी इन द पिक्चर, बेलीफ यानी तेजपत्ता, बेसिल यानी तुलसी, मिंट यानी पुदीना। शर्ब्स, सम प्लांट्स हैव अ स्टेम ब्रांचिंग आउट नियर द बेस, देयर स्टेम इज हार्ड बट नॉट टू थिक आर कॉल्ड शर्ब्स। अब ये आपकी मिडिल कैटेगरी में आते हैं, हर्ब्स से थोड़े से स्ट्रॉन्ग, इनके वुडी स्टेम होते हैं बट ज़रा वाइड स्टेम नहीं होते, ज़रा उनकी ग्रिप नहीं होती है, चौड़ाई उनकी ज़्यादा नहीं होती है। दे आर ब्रांचिंग नियर द बेस, ये नीचे से झाड़ीदार होते हैं, यानी कि उनकी जो ब्रांचेज है वो बेस से ही स्टार्ट हो जाती हैं। देयर स्टेम इज हार्ड बट नॉट टू थिक, दीज आर कॉल्ड शर्ब्स। दीज आर शॉर्टर इन हाइट एंड हैव मल्टीपल स्टेम्स, इनके जो ब्रांचेज है मल्टीपल स्टेम्स में डिवाइड हो जाती हैं। मेनली फाउंड इन गार्डन्स फॉर डेकोरेटिव पर्पज, मोस्ट ऑफ जो हम देखते हैं कि स्मॉल स्मॉल ट्रीज होते हैं, जो बड़े ट्रीज नहीं बनते हैं, वो डेकोरेटिव पर्पज़ के लिए यूज़ होते हैं। फॉर एग्जाम्पल हैबिस्कस, ओलियंडर एंड मूनबीम, ये हमारे पार्क्स में मिल जाएंगे हमें। हैबिस्कस यानी गुड़हल और मूनबीम और ओलियंडर यानी कि आपका ये जो है आपको मिल जाएंगे पार्क्स में, ज़्यादा बड़ी हाइट के नहीं होते हैं। नेक्स्ट ट्रीज, थर्ड वन लास्ट कैटेगरी ऑफ द ट्रीज प्लांट्स इज ट्रीज। सम प्लांट्स आर वेरी टॉल एंड हैव हार्ड एंड थिक ब्राउन स्टेम, दैट मीन्स हैविंग द वेरी लार्ज स्टेम ऑफ द ग्रिथ स्टेम, ग्रिथ मतलब चौड़ाई। द स्टेम हैज़ ब्रांचेज इन द अपर पार्ट मच अबोव द ग्राउंड, सच प्लांट्स आर कॉल्ड ट्रीज। फॉर एग्जाम्पल एप्पल ट्री, मैंगो ट्री, नीम ट्री, कोकोनट ट्री, ऑक ट्री, दीज आर सम एग्जाम्पल ऑफ ट्रीज। सो वट इज द डिफरेंस बिटवीन द शर्ब्स trees and herbs? Herbs having tender stem यानी weak stem, but trees shrubs having the woody stem but not so thick. और जो आपके trees हैं, trees में क्या होंगे, stem जो होंगे बहुत ज़्यादा woody होंगे, इनकी जो branches होगी height से निकलेंगी, ऊपर से निकलेंगी, लेकिन shrubs में जो branches है वो नीचे से निकलती हैं। ठीक है, these are some example of trees. Now creepers, some plants with the weak stem need support, they cannot stand upright by their own and spreads on the ground are called creepers. बेटा वो बेलें या वो पौधे जो जमीन पर फैल कर पौधे अपने फ्रूट्स देते हैं वो हमारे होते हैं creepers, जमीन पर चलने वाले, जिनके स्टेम बहुत वीक होता है, वूडी नहीं होता है, creepers. फॉर एग्जाम्पल पम्पकिन, watermelon एंड musk melon, ये जितने भी पौधे आपको दिखेंगे ये सारे क्या होंगे, creepers में आएंगे, जो धरती पर फैलते हैं। climbers, द प्लांट्स दे सपोर्ट द नेबरिंग स्ट्रक्चर्स, नाम से क्लियर हो, क्लाइंब, क्लाइंब मतलब लटकने वाले स्ट्रक्चर्स लाइक वॉल, ट्री, फेंस एंड द क्लाइंब अप, ऑल कॉल्ड क्लाइंबर, जो ऊपर
किसी चीज़ को पकड़ जाते हैं उन्हें हम क्लाइंबर्स कहते हैं। मनी प्लांट, पी प्लांट, ग्राइप वेन एंड बीन प्लांट, जितने भी ये पौधे होते हैं इन्हें क्या कहते हैं हम, इसके क्लाइंबर्स में आते हैं। किस में आते हैं? क्लाइंबर्स में, जिनके खुद की सपोर्ट नहीं ले सकते, वो किसी सपोर्ट के ऊपर चढ़ सकते हैं, दे आर नोन एज क्लाइंबर्स। सो आई होप कि आपको ये पार्ट समझ आया होगा। ये पार्ट बहुत छोटा सा है बट काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके नेक्स्ट पार्ट में हम जानेंगे टाइप्स ऑफ रूट्स, टाइप्स ऑफ स्टेम्स एंड अदर फिनोमिना विच आर रिलेटेड टू स्टेम्स एंड देयर रूट्स। ओके डियर स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे। थैंक यू।